हम लोगों को मानव का जीवन मिला है, मानव जीवन को ऐसा जिए कि जीवन सुखमय हो जाए। जी तो सब रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जीवन जिनका जीवन दुखमय है, उनके पास बैठो, थोड़ी देर बातचीत शुरू हो और अपना दुखड़ा वो रोने लगता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बैठो तो सुख और शांति की चर्चा करते हैं, सफलता की चर्चा करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। उनके जीवन में कोई शिकायत नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। हमें और आपको तय करना है हमें कैसा जीवन जीना है, हमें कैसे जीवन को दिशा देना है, ये निर्णय हमें करना है। आप लोग बहुत सारी योजना बनाते हैं, काम करने के लिए सोचते हैं, मकान बनाना है, इतना बड़ा मकान बनाना है, उसके लिए इतने पैसे चाहिए, ये काम वो काम, बच्चों की शादी करनी है, योजना ही बनाते हैं ना, पहले से सोचते हैं भाई शादी करनी है तो फिर उसके लिए क्या क्या करना है, तो सब चीज़ को सोचते हैं, हर चीज़ के लिए कहाँ शादी होगी, कैसे होगी, क्या होगी, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग आएंगे, कितना कपड़ा लाना है, कितना और सामान लाना है, सबको सोचते हैं, योजना बनाते हैं। इसी प्रकार से व्यापार बट्टा शुरू करना होता है किसी को, तो व्यापार के बारे में सोचता है, और उसको विस्तार करना है तो उसके बारे में सोचता है। कभी कभी आप लोगों को घूमने फिरने का मन होता है तो फिर उसके लिए सोचते हैं, योजना बनाते हैं कि यहाँ से हमको प्रयागराज, काशी, बनारस, अयोध्या और भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ जाना है, तो उसके लिए योजना बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, कौन कौन जाएगा, कौन सी ट्रेन से जाना है, कैसे करना है, इन सारी बातों के लिए आप सभी योजना बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस प्रकार अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए योजना बनाइए। मकान तो आप लोग कुर्सी पर बैठ सकती हैं माता जी, पीछे कुर्सी है वैसे, यदि जरूरत ले, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम सोच विचार के करो वह काम अच्छा होता है। आप मकान ही बनाते हैं, बिना सोचे समझे कोई मकान बनाएगा तो बनाने के बाद पछताएगा, सही है ना? बिना सोचे समझे मकान बनाएगा तो बनाने के बाद में ऐसा मकान बन के तैयार होगा जहाँ रहने में आनंद नहीं आएगा और पछताएगा, क्या बताएं इसको हम समझ ही नहीं पाए। कई लोग कहते हैं जाओ तो क्या बताएं ऐसा मकान बनाने, तब बनाने का ढंग नहीं था, अब जब मकान बनाना नहीं है तब बनाने का ढंग आता है, इसको ऐसा करना चाहिए, खिड़की यहाँ खोलना चाहिए था, दरवाजा यहाँ रखना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए था। तो यदि उसी चीज़ को पहले से सोचते, और इसीलिए आजकल एक सिस्टम निकल पड़ा है खास करके शहरों में, गांव के लोग भी काम करते हैं इस पर, मकान बनाने के पहले ही मकान का नक्शा बनवा लेते हैं, है ना, नक्शा बनवा लेते हैं,
भाई इतनी जगह है, इसमें इतनी जगह में किस प्रकार मकान बनना है, कहाँ से हवा प्रकाश की जगह ढूंढ लेंगे, कैसे करेंगे। अब फिर जब नक्शा बना करके सोच विचार के जब मकान बनाते हैं तो उस मकान में रहने में आनंद आता है, आनंद आता है। इसी प्रकार से कोई काम शुरू करे, बिना सोचे समझे कोई व्यापार शुरू कर दे, ऐसे कर देते हैं कई लोग। कई लोग ऐसे हैं जिस क्षेत्र का अनुभव नहीं होता है उस क्षेत्र में पैसा लगा देते हैं, कदम बढ़ा देते हैं, अनुभव तो है नहीं है, विचार किए नहीं है, क्या होता है थोड़े दिन में उसकी जो उसका जो काम है व्यापार बट्टा है ढप हो जाता है। और ढप नहीं होता है, ढप तो हो ही जाता है, जमा पूंजी को भी लेकर के डूब जाता है। ऐसे आपके आसपास रिश्तेदारों में भी देखे होंगे जो बिना सोचे समझे काम शुरू किया और उसका काम खराब हो गया। कई बार होता है कि आप कई ऐसे काम जब बिना सोचे समझे कर लेते हैं तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि विचार करके करो। ये पंक्ति बहुत पुरानी है, सुनाऊं? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, याद है ना? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और क्या हुआ? काम बिगाड़े आपना, देखो कितनी बड़ी बात हो गई, काम भी बिगड़ गया और जगत में हंसी भी हो गई। तो इस संदेश क्या है? कोई काम करो तो विचार पूर्वक। अब मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ उदाहरण दे करके, जब जीवन जियो तो भी विचार पूर्वक, बिना सोचे समझे जीवन जिएंगे तो वही होगा, बिना सोचे समझे मकान बनाने की तरह, बिना सोचे समझे व्यापार करने की तरह, बिना सोचे समझे संबंध बनाने की तरह। आजकल देखे हो ना, बिना सोचे समझे संबंध बना लेते हैं भावुकता में आकर के, कि आजकल कई ऐसे युवक युवतियों को देखो, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, परिवार वाले समझा रहे हैं, घर वाले समझा रहे हैं, रिश्तेदार के लोग समझा रहे हैं, नहीं मानना है, संबंध बना लिए। अब बना लिए, थोड़े दिन के बाद पता चला ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? ना तो वो घर वालों से मिल सकते हैं, ना उनसे मिल सकते हैं, संबंध भी खराब गया और रिश्ते में भी परिवार के साथ भी संबंध खराब गया। ये भी सच है कि बहुत सोच समझ करके भी करते वहाँ भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बिना सोचे समझे कोई काम करता है आदमी तो उनका काम बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से बिना सोचे समझे जीवन, और यही मैं अभी शुरू से बता रहा हूँ कि आप सुख से जीने का, आप कभी अकेले में बैठ जाऊँ ये सोचें मैं सुखपूर्वक जीवन कैसे जीऊं, परिवार के साथ में रहूं लेकिन परिवार के साथ भी मैं आनंद से कैसे रहूं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बैठ करके निर्णय लेना है। तो फिर क्या होगा आपको पता चलेगा, उसके भी रास्ते हैं। देखिए रास्ते तो हैं, सुख का भी रास्ता है, दुख का भी रास्ता है। आप किसी भी रास्ते में जाइए, किसी भी रास्ते में, तो हर रास्ता दो दिशा की ओर ले जाता है। हर मार्ग हमें दो दिशा की ओर, दो तरफ, कोई भी रास्ता में जाओ, एक तो जिधर आप चल रहे हैं, एक वह जिधर से आ रहे हैं, तो दो रास्ते तो ही जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ तो है जिस रास्ते पर चल करके आदमी दुखी और अशांत हो जाता है, और ऐसे भी रास्ते हैं जिस रास्ते पर चल करके आदमी सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। होता क्या है, मैं बहुत पहले पारक में एक लेख लिखा था दो रास्ते, उसमें शुरू में क्या लिखा था कि एक आदमी जा रहा था तो जाते जाते देखा कि आगे दो रास्ते हैं, एक दाहिने ओर जा रहा है, एक बाईं ओर जा रहा है। तो दाहिने तरफ जो रास्ता जा रहा था वो रास्ता इतना बढ़िया साफ सुथरा और चारों दोनों तरफ से फूल लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया दिख रहा था,
और वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बाजा गाजा लेकर के स्वागत के लिए भी खड़े हैं, लेकिन वहाँ एक बोर्ड लगा था। बोर्ड में क्या लिखा था? यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है, ये लिखा था। बाएं तरफ भी एक रास्ता जा रहा था, वो रास्ता फूल वगैरह तो नहीं था, साधारण था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ता उबड़ खाबड़ है, बहुत सुंदर रास्ता नहीं है, एकदम चिकना रोड नहीं बना हुआ है, उबड़ खाबड़ दिख रहा है, कोई स्वागत करने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ एक बोर्ड लिखा था, बोर्ड लगा था, उसमें क्या लिखा था? यह रास्ता परम आनंद की ओर ले जाता है। अब प्रश्न होता है, वह आदमी किस रास्ते पर गया होगा? दो रास्ते, चुनाव आपका है ना। तो मैंने आगे लिखा, उस आदमी ने क्या किया है तो भूल ही जाइए। मान लो आप खड़े होते तब क्या करते? क्या करते? अच्छा, अभी यहाँ क्या कहेंगे? वही सुख परम आनंद की ओर ले जाने वाले में जाते, ऐसा कहेंगे। लेकिन ज्यादातर होता नहीं है। अभी जो आनंद लग रहा है, अभी जिसमें सुख लग रहा है, अभी स्वागत है, अभी बढ़िया दिख रहा है रास्ता, अभी आनंद आ रहा है, उस रास्ते में चलना बड़ा सरल होता है, होता है ना। अभी मजा आ रहा है जी, छोड़ो ना, बाद की बात देखा जाएगा, चाहे जैसा खाओ पियो, मजा आता है। बाद में क्या होता है? पहली बार कोई सिगरेट पीता है तो क्या होता है? खांसी आती होगी जरूर, क्योंकि धुआं गया है, कभी पिया नहीं है। तो फिर जैसे खांसी आई, कुछ हुआ, तो बाजू में एक आदमी खड़ा है, बढ़िया सलाह देने वाला ना, बहुत अच्छा आदमी, क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। फिर शुरू किए, फिर शुरू किए, और धीरे 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 क्या हो गया? ऐसा खींचता है, अब धुआं अंदर जाता है, बाहर ही निकालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना क्या हो गया? वो पहले आनंद, पहले लगा ऐसा मजा आ रहा है, पी करके, शराब पी करके मजा आ रहा है, मस्ती करके मजा आ रहा है, ये करके, वो करके, घूम करके, फिर करके, गुंडागर्दी करके, कुछ भी खाओ पियो, मजा आ रहा है। कब तक मजा आएगा? मजा छीन जाएगा, विचारा नहीं गया है इसका परिणाम क्या आने वाला है। परिणाम को ध्यान में रखकर कोई काम करेगा तो गलत काम पर कदम उठाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके आसपास के लोगों को देख लो, इतिहास को उलट करके देख लो, कोई भी आदमी जुआ खेल करके, बहुत जुआ खेला और बहुत अच्छा वो विकास किया, बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लिया, घर के बाल बच्चे सब सुखी हैं, ऐसा उदाहरण शायद गांव में मिलेगा नहीं। ये आदमी जुआ खेल कर कर इतना पैसा बना लिया, 500 एकड़ जमीन खरीद लिया, सुने हैं कहीं? मुझे तो पता समझ नहीं आता। ये आदमी इतना शराब पीता है सुबह से शाम तक के, और शराब पी पी करके इतना धन बढ़ा लिया, देखो 100 एकड़ का प्लाट उसको शराब पीने के नाते बढ़ा है, सुने हैं कहीं? कहीं सुने हैं? उदाहरण है कि नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, वो रास्ता दिख रहा है, दुख वाला भी रास्ता दिख रहा है और सुख वाला रास्ता भी दिख रहा है। चुनाव कौन करेगा? आप करेंगे। और मैं शुरू से क्या कह रहा हूँ, आप सोच विचार करके जीवन जिए, सोच विचार करके। लड़ाई झगड़ा करने वाला जो मुकदमाबाजी करता है, मार काट, लड़ाई झगड़ा रात दिन करता है, उसके जीवन को झांक करके देख लो। लेकिन एक आदमी है, सहन करता है, धीरे बोलता है, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह ही दिया, शांत रहता है, घर में भी रहता है, ठीक है, बड़े लोग कुछ कह भी दिए, कोई भी बहू देख लीजिए, कोई भी, चाहे बहू ही बन के आई है, घर वाले, चाहे सास हो, ससुर हो, या पति हो, या घर के और भी सदस्य हैं, वे थोड़ा सी दो चार बातें बोल दिए, लेकिन जो बहू शांत रहती है, सेवा भावी होती है, सब कुछ बढ़िया, तो धीरे धीरे वो बहू क्या होता है, घर में उसका सम्मान होने लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, घर वालों को भी अच्छा लगता है। और एक जो तड़तड़ तड़तड़ जवाब दे, काम करने का मन न करे, खाने में एक नंबर का रहे, काम करने में आलस करे, क्या होगा? अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो सब लोग चुप हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन धीरे 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 उसका रिजल्ट कैसे आएगा?
सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा था कि आप सोच करके करो, कोई काम करना हो तो सोच विचार करके जब आप जीवन जीते हैं तो आप बैठे पहले क्या सोचना है। मैं कह रहा था मैं सुख और आनंद का अनुभव करूं इस जीवन में, वो रास्ता चलना है मुझे। सुख का जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, प्रेम का जीवन जीना है, प्रेम का जीवन जीना है। इस प्रकार योजना बनाओगे तो आप उस रास्ते पर चलोगे। देखो सोच करके चलना अच्छा होता है, अच्छा होता है। तो क्या होता है जब आप सोचते हैं तो आपके लिए वैसा कुछ योजना बनने, वैसा आपके दिमाग में विचार आने लगेंगे, ऐसी बातें आने लग जाएंगी, सब बातें वैसी। फिर आसपास जो लोग रहेंगे उनसे आप मिलेंगे जुलेंगे, क्योंकि आप गलत लोगों से फिर नहीं मिलेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, इनका जीवन ही गलत है, इनसे मिलकर के मुझे क्या फायदा है। क्योंकि कोई भी आदमी, गलत मार्ग पर चलने वाला आदमी, वो सही रास्ता कैसे बताएगा, क्योंकि वो वही अच्छा कहेगा, वही अच्छा कहेगा और इसी रास्ते पर अपना लाना चाहेगा। लेकिन एक आदमी जो सही रास्ते पर चल रहा है, जिनका खान पान अच्छा है, वाणी व्यवहार अच्छा है, और भी लोगों के साथ संबंध अच्छा है, घर में भी अच्छे से रहता है, समाज में भी गांव में जाता है तब भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वहाँ एक अच्छी प्रतिष्ठा है, वो चार बात कुछ बातें कहता है तो लोग बैठ के सुनना भी चाहते हैं, वही कोई हित की बात हो तो। कहीं भी किसी के भी घर में जब जाता है वो आदमी, तो घर वाले भी चाहते हैं कि हमारे घर में आए, और हम लोगों के घर वालों को, खास करके बहू है, बेटी है, बच्चे हैं, उनको हित की बात बताएं, क्योंकि वो सबको हित की ही बात बताता है। और आपके ही गांव में ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप सोचेंगे ये आदमी हमारे घर ना आए तो अच्छा है। ऐसे भी लोग होते हैं, क्यों, उनका चरित्र अच्छा नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप क्या चाहेंगे ये आदमी हमारे घर आकर के न बैठे, घर की बहू बेटियों के साथ में इनकी कोई बातचीत ना हो, यही तो चाहेंगे, क्यों, वो आदमी गलत है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे, चाहे वो आपके रिश्तेदारी में हो, चाहे आपके मित्र में हो, कोई भी हो, आप कहेंगे इनके आने से बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़े हित की बात बताते। वो जब आएंगे ना, घर के भी बाल बच्चे होंगे, यदि वो गलत रास्ते पर चलते उनको समझाने का प्रयास करेंगे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों के साथ में ऐसा ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, देखो घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, कभी डांट भी दिए, क्या हो गया, तुम्हारे हित के लिए डांटे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का हित नहीं चाहता है, तुमसे कोई गलती हुई होगी इसलिए उन्होंने कहा है, तुम उनके साथ विनम्र रहा करो, उनकी बातों को सुना करो, ये सलाह दे रहा है। एक दूसरा आदमी आता है और सलाह क्या देता है, अरे तुम चुप रह गए, ईंट का जवाब पत्थर सुधो, नहीं तो इस समय कहीं दब गए ना तो पता नहीं आगे भी तुम्हें बस हमेशा दबाते रहेंगे। क्या सलाह दे रहा है, समझ रहे ना, आदमी वो भी है लेकिन गलत सलाह दे रहा है, और वो गलत सलाह देने से आदमी बिगड़ जाता। इसलिए कबीर साहब ने जो बात कही है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। साधु का मतलब केवल साधु का कपड़ा ही पहना हो ऐसा नहीं है, आप लोगों के कपड़े पहन करके भी साधु साही व्यवहार करने वाले आपके आसपास हैं, और साधु के कपड़ा पहन करके भी राक्षस व्यवहार करने वाले हैं, ये भी सच है। तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहना है, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। मतलब यह है, आप खुद सोचें मैं किन लोगों से मित्रता करूं, किनके घर में उठूं बैठूं। ये अपना ही नहीं, आप अपने बाल बच्चों के बारे में भी सोचिए, मेरे बच्चे जिन बच्चों के साथ खेलता है, उनके मित्रता करता है, जो मित्र बना के रखा है, उनके मित्र कैसे हैं, उनका खान पान ठीक तो है ना, उनके बोलने का ढंग ठीक है ना, उनके घर वालों का ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आपके घर में सब लोग अच्छे हों, घर का खान पान भी अच्छा हो, बोल चाल भी अच्छा हो, लेकिन जिन बच्चों के साथ में उनकी मित्रता है, और यदि वो बच्चे गलत हैं तो उनके गलत शब्द को बच्चे सीख जाते हैं। सच कह रहा हूँ ना, घर में कोई नहीं गाली देता है लेकिन आपका बच्चा आकर गाली दिया है, कहाँ से सीखा, वहाँ से सीखा, वहां से सीखा। आदमी क्या है बताऊं, स्पंज की तरह, स्पंज की तरह जहां रखोगे सोख लेता है,
पानी में रखो तो पानी सोख लेगा, दूध में रखो तो दूध में। वैसे ही आदमी आसपास के वातावरण के व्यवहार को सोख लेता है। और बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं। स्कूल में जाकर के गलत सीख लेते हैं, अच्छे भी सीखते हैं, लेकिन गलती सीखना बड़ा सरल है, अच्छा सीखना थोड़ा कठिन लगता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे किन बच्चों के साथ खेल उठ रहा है, क्या खा, क्या थोड़ा निगरानी भी रखने की जरूरत होती है, क्या खा पी रहा है, कैसे शब्द इसके निकल रहे हैं। जब उनको कोई बात कही जाती है तो जिद्दी हो रहा है क्या, जब उनसे कहा जाता है तुम अपना बिस्तर ठीक करो, कमरे की सफाई रखो, स्वभाव देखो थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं कोई जिद्दी हो रहा है, हो रहा है तो उनको समझाना पड़ेगा। अभी बचपने में समझा दिए तो आगे, गुरुदेव जी कहा करते थे, एक छोटा कोई पौधा लगाता है और पौधा कहीं टेढ़ा जा रहा हो तो क्या करते हैं प्राय लोग, आप क्या करते हैं, एक बांस या बल्ली गाड़ देते हैं और उसके साथ में उस पौधे को बांध देते हैं, क्या हो जाता है, पौधा भी सीधा हो जाता है। लेकिन जब पौधा पेड़ बन गया, बड़ा हो गया, और तब सीधा करना चाहोगे तब नहीं होगा। छोटा बच्चा का मतलब है मुलायम, कोमल है अभी, उसको सीधा करने का तरीका अपना लोगे तो वो सीधा हो जाएगा अभी। और यदि ध्यान नहीं दिए, फिर से वही बात है, ध्यान नहीं दिए हर चीज में, जिसमें ध्यान नहीं देंगे वो खराब होता चला जाएगा। जैसे मैंने जीवन के लिए, जीवन पर आप ध्यान नहीं देंगे जीवन खराब होता चला जाएगा, बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे बच्चे खराब होते चले। आप अपने खेत पर ही ध्यान मत दीजिए, कहते हैं ना कहावत है, पुरानी कहावत, बो दे गहूँ चल दे कहूँ। सही है, एक बार खेत में बीज बो करके आ गए, अब ढाई तीन महीने के बाद अब हसिया लेकर गए, चलो काटूंगा, मिली गई, कभी निंदाई करने गए, कभी सींचने गए, खाद पानी देने गए, ध्यान रखना। अब आजकल तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कहते नहीं कोई बीमारी लग जाए, सही है कि नहीं है, इतना ध्यान रखते हैं तब जा करके कुछ अन्न पाते हैं, ध्यान ही न रखो तो जिस जीवन में आप ध्यान नहीं देंगे, जिस जीवन को बेध्यानी में जीवन चला जाएगा तो फिर क्या होगा, वो जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। और बहुत लोग हैं, ध्यान दिए बिना जीवन जी रहे हैं, बिना विचारे जीवन जी रहे हैं, क्या होता है जीवन, बर्बादी। और बर्बादी का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका मकान ढह गया, बर्बादी का मतलब है उसके जीवन में दुख और अशांति का अनुभव, संघर्ष का अनुभव, बीमारी का अनुभव, वही सब करेगा, वो वही सब होगा वो नहीं। क्या करना है, ऐसा कुछ जीवन को अपनाए कि सब कुछ बढ़िया रहे। तो उसके लिए पहला काम तो भाई आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, सुने होंगे ना, पहला सुख निरोगी काया। तो ये ध्यान नहीं देंगे तो कैसे, अच्छा आपके पास धन बहुत है, बहुत धन है, डॉक्टर ने कहा ये सब नहीं खाना है, अब क्या करोगे, है कि नहीं झंझट का काम, क्या मतलब उतना धन, सब कुछ है, इतना बड़ा मकान, सब कुछ है, लेकिन स्वस्थ ही नहीं है शरीर। इसलिए शरीर स्वस्थ रहे इसका ख्याल करो, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए, अब देखो मैं तो कोई डॉक्टर तो हूं नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कह सकता हूं, सही खान पान रखो, सही खान पान रखो। गलत चीज खाओगे, बहुत तेल मसाला मिर्च छौंक बघार, अब आजकल नया नया जो फैशन वाला खाना पीना है उसको कम कर दो, कम कर दो, सादा भोजन पर लौटो, पुराना ढंग अपनाओ, पुराना ढंग, सही है कि नहीं है, वो घानी वाला तेल खाओ, कच्चे घाने वाला, सही है, हाँ वो खाओ, और सिल लोढ़ा में टमाटर की चटनी पीस करके खाओ, कौन मिक्सी की जरूरत नहीं है, एक उदाहरण बताया, एक उदाहरण बताया, ऐसे ही सादा भोजन में रुचि लो। वो पैकेट वाला सामान जो मिलता है ना खाने बढ़िया, तो कुरकुरा मुरमुरा बच्चों को भी मत खिलाओ, ये बिस्कुट तो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता है, आपको क्या बताऊं, हर पैकेट वाला, चाहे वो पैकेट गुटका का पैकेट हो, चाहे वो नमकीन का पैकेट हो, जो भी कंपनी से बन करके आए, उन चीजों से घर में बना लो ना भाई, घर का भोजन अच्छा होता है, घर का बना,
ये कंपनी वालों का कोई ठिकाना नहीं, वो तो पैसा लूटना है उनको, घर में पैसा लूटने की थोड़ी कहते हैं भाई, जीवन चलाने के लिए बढ़िया स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, घर वाले ध्यान रखेंगे, कंपनी वाले क्या है, वो तो पैसा का ध्यान रखते हैं। इसलिए गलत खान पान को कम करो, छोड़ो उन सब चीज़ों को। अब कोई बीड़ी पी रहा हो, कोई सिगरेट पी रहा हो, कोई शराब पी रहा हो, कोई अंडा मांस मछलियाँ खाने में लगा हुआ हो, आप दूसरों को सता करके, दूसरों को दुख दे करके कभी सुखी हो पाएंगे? दूसरे के गले में छुरी रेत करके, गलत भोजन, अभक्ष भोजन, राक्षसी भोजन करके कभी सुखी हो पाएंगे? कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। लगेगा, शुरू में तो लगेगा, लेकिन आप भीतर से खोखले होते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो सुंदर स्वास्थ्य। दूसरी बात आपके पास में धन भी होना चाहिए। अच्छा, धन तो कमा लेते हैं, लेकिन धन को बहुत लोग उड़ा भी देते हैं। आप देख लेंगे बहुत से आजकल तो क्या है, बहुत कम पैसे में तो आजकल चावल मिलने लग गए हैं, चावल दाल की कोई बात ही नहीं। अच्छा, सरकार तो कहते हैं फ्री में भी देती है, ऐसा कहते हैं लोग शायद कुछ भी, या कम पैसे, बहुत कम पैसे लेती है। तो कहने का मतलब है वो तो अब खाने की कमी नहीं रह गई है। अच्छा, पैसा बचा, अच्छा मजदूरी बढ़ गई है तो कहाँ करेंगे, चलो शराब भट्टी में चलो, बेचारा तो है नहीं है। यदि आप उसी पैसे को बचाते गए तो आप अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हो, उनके पहनने ओढ़ने के लिए बढ़िया कपड़ा ले सकते हो, वही पैसा तो बचेगा भाई। उनके लिए अच्छी पुस्तकें खरीद सकते हो, आप अपने घर वालों की अच्छी व्यवस्था कर सकते हो, अपने ही घर की व्यवस्था को, क्योंकि आपके पास पैसा बढ़ रहा है। लेकिन यदि उसको गलत दिशा में पैसे खर्च करोगे तो धन की वृद्धि नहीं होगी, सुख शांति की वृद्धि नहीं होगी। गलत दिशा में खर्च न हो आपका धन, धन खूब कमाओ लेकिन सही तरीके से खर्च करना सीखो, और थोड़ा बचा के भी रखो। जितना कमाओ उसको उड़ा भर मत दो, क्योंकि भविष्य को पता, जैसे कोरोना देखो, कोरोना ख्याल आ गया, कोरोना सारा काम धाम बंद, अब कैसे करोगे, सही है कि नहीं है? तो ये तो कोरोना कभी कभी की बात है, लेकिन कभी किसी को बीमारी लग गई, कभी कोई घर में काम आ गया, और बचा के रख रहे हैं, वही धन काम आता है। आपको कुछ नया काम करना हो तो धन बचा के रखेंगे, तब 100 रुपये कमाएं और 100 के 100 को फूंक दिए, ये गलत, ये गरीबी का रास्ता है। और इतना ही नहीं है, 100 रुपया जब मिलता है तो 10 रुपया और उधारी ले लेते हैं लोग, दुकान में जाएंगे 110 रुपया बिल बन रहा है, अच्छा ठीक है बाद में दे दूंगा, समझ रहे हैं? और धनी कौन आदि बनता है, 100 में से 100 मिला तो 90 में खर्च चलाता है, 10 रुपये को बचा लेता है, हर महीना 10 रुपया बचाएगा तो एक महीने में कितना बन गया, हर दिन वो 10 रुपया बचाया, हर दिन 10 रुपया बचाया, एक महीने में 300 रुपया बचेगा। और हर दिन जो 10 रुपया कम ज्यादा खरीद रहा है, कर्ज ले रहा है, वो क्या होगा, 300 का कर्जा। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं, देख लेना आसपास, एक नौकरी करते हैं दो आदमी, एक ऑफिस में काम करते, दोनों को बराबर तनख्वाह मिलती बराबर, एक आदमी महीने के अंत में क्या कहता है, क्या बताएं मेरा तो कर्जा हो गया है, और दूसरा कहता है मेरे पास पैसा बचा है। उतने ही पैसे में एक आदमी का खर्च बढ़िया चल जाता है और दूसरे आदमी को कर्ज लेना पड़ता है, क्या है, बिना सोचे समझे, सही है कि नहीं है? गलत ढंग से अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं समझ रहे हो। तो धन की भी रक्षा करो, धन कमाओ भी, धन को बचाओ भी, खाना भी है लेकिन बचाओ भी, आपका काम आएगा, आपके बच्चों का काम आएगा, कोई नया काम खरीद सकते, नया काम कर सकते, कोई नई चीज खरीद सकते हो जो आपके लिए काम की चीजें हो सकती है, सुख सुविधा बढ़ा सकते हो घर की, एक ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, परिवार है, चाहे आपके पास धन हो, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो, लेकिन पत्नी से लड़ाई हो रही है, भाई से लड़ाई हो रही है, सास बहू में रोज लड़ाई ठनी हुई है, पिता पुत्र में महाभारत चल रहा हो, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, आपस का प्रेम बढ़े, और मैंने कहा ना, पहले ही कहा था, आपस का प्रेम बढ़े तो क्या करना है, सहनशील हो जाओ, धैर्यवान हो जाओ, विनम्र हो जाओ, किसी की गलती हो गई तो क्षमा कर दो, अपनी गलती हो गई तो क्षमा मांग लो,
ऐसी कुछ ऐसी बातें हैं जो कर लो, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लो किसी की गलती को क्षमा कर दोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, आपकी गलती हो गई और क्षमा मांग लिए तो कौन सा घाटा लग जाएगा, व्यवहार सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मान लो आप थोड़ा से अपने लिए सुविधा कम चाहते हैं, ठीक है भाई, और लोग हैं उनको ये सामान अच्छा मिल जाए, दूसरे को अच्छा भोजन मिले, दूसरे को अच्छा कपड़ा मिले, ये सोचने तो लगो जरा से। प्रेम का मतलब होता है दूसरे के हित की चिंता। आप अपने पास में जो हैं, जैसे पति पत्नी, मैं बहुत सरल उदाहरण बताऊं, पति और पत्नी एक दूसरे के हित की चिंता करते हैं। पति समझता है, क्या सोचता है वो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मेरी पत्नी को, मेरे जीवन साथी को अधिक से अधिक प्रसन्नता मिले और अधिक से अधिक आराम मिले। इसी प्रकार पत्नी सोच रही है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं। सोच रहे हैं ना, एक दूसरे की हित की चिंता। और जहां ये बात आती वहीं प्रेम विकास होता है, वही होता है। और ये ऐसी स्थल में, ऐसे माहौल में, जिस घर में ऐसा माहौल है वहां रहने में आनंद ही आएगा, आनंद ही आएगा। और कहीं ऐसा घर हो जहाँ कटुता, जब बोलते हैं इतना जोर से बोलते हैं, डांट करके बोलते हैं, और घर में सुबह से हल्ला शुरू हो जाता है। बस गुरुदेव जी कहा करते थे, घर वाले कई बार तो कौवा जो बैठता है ना ऊपर छप्पर पर, खपड़े पर, खपड़ैल पर, तो कौवा भी उड़ के भाग जाता है, क्योंकि घर वाले इतने कौवे हैं, वो भी डर के मारे भाग जाता है। इतना जोर जोर से चिल्ला करके बोल रहे हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, प्रेम से भी तो रह सकते थे। जिस घर में वातावरण प्रेम पूर्ण होता है, खाने पीने का ठीक है, भोजन तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसी चीजों के लिए स्वार्थ हो जाता है। जैसे कोई मिठाई आ गई तब क्या होता है, मुझे ज्यादा मिले, मेरे बच्चों को ज्यादा मिले, मेरे पति को ज्यादा मिले, मेरी पत्नी, उफ मिठाई ज्यादा खाओगे तो पेटे खराब होगा, कम खा लो क्या हर्जा है। असली मिठास मन की पवित्रता है। एक आदमी था, वो कभी कभी होता ना किसी कार्यक्रम विशेष में हलवा बनवाया, वो बहुत सारा हलवा, हलवा केवल बांटने के लिए, अन्न क्षेत्र टाइप का था वो, तो हलवा बनवाया था वो। गांव में एक बड़ा आदमी था, उसका कोई शायद बेटा पैदा रहा होगा या कुछ भी रहा, कोई कार्यक्रम, किसी का जन्मदिन या उनके गुरु महाराज, कुछ भी कारण रहा तो हलवा बहुत सारा बनवाया था और सबको हलवा बांट रहा था। जो भी आए, एक ऐसा दोना होता था उसमें हलवा सबको दे रहे थे। तो अब सब लोग सुने, भाई हलवा बट रहा है, तो गांव गए, हलवा बट रहा है, सब लोग चलने लगे, तो एक आदमी को भी सूचना मिली कि अच्छा, वो हलवा खाने का बड़ा प्रेमी था वो, अरे हलवा बट रहा है वहां पर, वो दौड़ा सब काम छोड़ करके, और जब तक गया तो हलवा खत्म, अरे हलवा खत्म हो गया। एक आदमी हलवा लेके आ रहा था और वहाँ हलवा खत्म हो गया, तो कहे हलवा खत्म हो गया, हलवा खाने का बड़ा मन था, हलवा खत्म हो गया, क्या करूँ, बहुत अफसोस। तो आदमी जो हलवा लेकर आ रहा था उनको लगा कि नहीं, इनको दे देना चाहिए, और कहा ये ले लो मेरे ओर से, क्या कहा, ये ले लो। अच्छा तो आप क्या करेंगे, आप क्या खाएंगे, मुझे हलवा दे दिए। उसने क्या कहा, मैं गम खा लूँगा, मैं संतोष खा लूंगा। अच्छा ये क्या होता है, कहे इसमें हलवा से भी ज्यादा स्वाद होता है, समझ रहे ना, हलवा से भी ज्यादा स्वाद होता है। एक कहा भी गया है, गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए अम्बरीसी दुख पाया, नहीं विष किसने, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए, ये पंक्ति है, गम समान भोजन नहीं, गम खा लो। गुरुदेव जी भी कहा करते थे, कम खाओ गम खाओ, याद है, याद करो सूत्र गुरुदेव जी के, कम खाओ गम खाओ, थोड़ा कम खा लो अच्छा रहेगा, और गम खा लो, कम खाओगे तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, और गम खाओगे तो कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, सही है। तो ये कुछ रिश्तों में मधुरता लाओ, सुख और आनंद का अनुभव होगा। और इसके लिए थोड़ा और काम करो, कुछ धार्मिक कृत्य,
भजन पूजन जो भी आप मानते हो, कुछ भी मानते हो, चाहे आप कबीर के अनुगामी हो, चाहे आप राम के अनुगामी हो, कृष्ण के अनुगामी हो, चाहे गायत्री के उपासक हो, चाहे राधा स्वामी, कोई भी मत पंथ मानते हो, कोई भी देवी देवता मानते हो, क्या करना है, थोड़ी देर एकांत में बैठो, कुछ पूजा पाठ में भी समय लगाओ। और केवल इतना ही नहीं है कि औपचारिक कोई मूर्ति लगा लिए, रख दिए, या कोई चित्र लगे, आरती वारती ऐसे कर लिए, नहीं, इतने मात्र से जीवन नहीं बदलता है। मैं साफ बता देता हूँ, जीवन बदलता है अकेले में बैठ करके अपने गुण दोषों की परख करो, मेरे में कौन कौन सी गलतियां हैं, कब कब मेरे मुंह से आवाज़ तेज निकल जाती है, कब कब मैं झुंझलाता हूँ, कब क्रोध करता हूँ, ये थोड़ा से देखो और उसे दूर करने का प्रयास करो। कब मेरा मन लालच में लोभ में आ जाता है, कब दूसरे की चीज़ों को देख करके मन ईर्ष्यालु हो जाता है, शांत करने का प्रयास करो। कब दूसरों की गलतियों को देख करके मन एकदम नाराज हो जाता है, अरे गलतियां तो उनसे होती तो हमसे भी होती है, यदि ध्यान रखो हम कोई दूध के धोए हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को परखोगे अंदर में अपना और धीरे धीरे वहां पर ठीक ठाक करने लगोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके अवगुण घटेंगे, जीवन में सद्गुण आएंगे, और यही सद्गुणों का विकास जब होता है तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए थोड़ा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करो। लेकिन क्या हुआ, स्कूल से पढ़ाई पूरी हो गई है, उसके बाद तो पुस्तक न पढ़ने की कसम खा लिए हैं। मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा बताओ, साल भर में कितनी पुस्तक पढ़े हैं बताओ तो माता बहन ने, 10, 20, 2, 3, भगवान बचाए एक भी नहीं पढ़े हैं। मैं जानता हूँ, सही है। अच्छा पढ़ना जानते कि नहीं जानते? जानते हैं, जानते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ज्ञान कहाँ से आएगा? रोज सत्संग मिलेगा? नहीं। अच्छा मोबाइल में ही प्रवचन आता है तो मोबाइल में कभी प्रवचन नहीं सुनेंगे, क्या सुनेंगे, समय नहीं है, क्योंकि वो तो व्हाट्सएप में आते हैं। क्या बताऊं, जीवन को बिगाड़ने वाला काम हम ज्यादा करते हैं, जीवन को बनाने वाला कम काम कम करते हैं, और फिर क्या करते हैं बाद में, क्या बताएं, हमारे जीवन में दुखे दुख है। अरे दुख का बीज बोओगे तो दुख पाओगे, सुख का बीज बोओगे तो सुख पाओगे, इतना सा है और कुछ नहीं है। जो बीज बोओगे वही तो फसल काटोगे। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। देखो सबको याद है, सबको याद है, बबूल का बीज बो करके आम नहीं पा सकते, आम चाहिए तो आम का बीज बो, तो सुख चाहिए शांति चाहिए तो किसका बीज बोए, सुख और शांति का। उस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चलो, और जैसे उस रास्ते पर चलेंगे उसका अनुभव होने लगेगा, होने लगेगा। लेकिन हम तो उस रास्ते पर नहीं चलते, उस रास्ते से दूर चलने लगते हैं, तब शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से जीवन में एक योजना बनाओ, सुख शांति के जीवन जीने का निर्णय लो, जीवन को आनंद से जीवो। जीवन मिला है तो दुखी मत रहो, लड़ाई झगड़े का जीवन मत जियो, बीमारी का जीवन मत जियो। क्यों मैं कह रहा हूँ, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, प्रेम का जीवन जी सकते हैं, समृद्धि का जीवन जी सकते हैं, और शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। ये हर मनुष्य में योग्यता है, हर मनुष्य में योग्यता है, आप उस योग्यता का उपयोग करें करें, और जिस दिन आप उस रास्ते पर चलेंगे आपको भी अनुभव होने लग जाएगा। आपको अभी तो केवल मैं बता रहा हूँ, न मेरे बताने से मैं पहुँच पाऊँगा, न सुन करके आप पहुँच पाएंगे। कब होगा? जब कदम कदम आगे बढ़ेंगे, जब मैं कह रहा हूँ उस रास्ते पर मैं चलूँ, आप जो सुन रहे हैं उस रास्ते पर आप चलें, तभी पहुँचेंगे। चले पाँव तो पहुँचे गाँव, सही है ना? जब कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो पहुँचेंगे कैसे? यहाँ तो पहला ही कदम निकालना कठिन है। कदम निकालो, अच्छे पथ पर चलने का संकल्प लो और जीवन को सुंदर बनाओ। बस साहेब बंदे बोलिए सद्गुरुदेव की।